अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी टेस्ट एंड फ़न। आज मैं कुल्फे की दाल की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए हमें एक कप तुअर की दाल, थोड़ी सी कोथमीर, तीन बंच कुल्फे के, थोड़ी इमली, दो बड़े साइज के टमाटर, चार से पांच हरी मिर्च, थोड़े से करी लीव्स, वन टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, नमक, बघार के लिए वन टीस्पून राई, वन टीस्पून ज़ीरा, चार से पांच लहसुन, तीन सूखी मिर्च, थोड़े से करी लीव्स। चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कुकर में सभी चीज़ें डाल लेंगे, दाल, हरी मिर्च और करी लीव्स, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, अभी ही हम इसमें कुल्फी की भाजी भी डाल लेंगे। थोड़ा पानी, अच्छे से मिक्स कर ले। अभी कुकर का लीड बंद कर 5 से 6 विजिल आए तक हम अब इसे पकने देंगे। दाल अच्छे से गल गई। अब हम इसे वुडन मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। दाल अच्छे से मैश होना चाहिए। दाल अच्छा मैश हो गई। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले लें। मिक्स कर लें। अब मैं इसमें मैगी का चिकन स्टॉक डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ज़रूर डालिए, दाल का टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। इमली का पानी डाल लेंगे इसमें। आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए, आपको कितना खट्टा चाहिए। अभी इसी स्टेज पे आप दाल की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितना थिक चाहिए, कितना पतला चाहिए, आप आपके हिसाब से रख लीजिए। कोथमीर डाल देंगे, मिक्स कर 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे हम। अभी हम बघार की तैयारी करेंगे। एक पैन में थोड़ा तेल ले लें, जीरा और राई डाल दें इसमें। तेल गरम हो गया, अभी
अभी हम इसमें सूखी मिर्च और लहसुन डाल देंगे। लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। दाल भी हमारी रेडी हो गई। अब ये बघार हम दाल में डाल देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।